नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में, हूं पिनास त्यागी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। देश की बहस में आज हम शोकाकुल हैं और आज भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने सीडीएस को, लेकिन साथ ही साथ उन तमाम 11 सैनिकों को भी भावभीनी श्रद्धांजलि पूरे न्यूज नेशन परिवार की तरफ से, जिन्होंने चौपर हादसे में अपने प्राण गंवा दिए। देश की बहस में आज का सवाल सीडीएस जनरल विपिन रावत से जुड़ा है। जनरल रावत के विजन पर अब देश आगे कैसे बढ़ेगा? जनरल विपिन रावत का विजन किस तरीके का रहा है? सुरक्षा के मोर्चे पर, रक्षा के मोर्चे पर किस तरीके की चुनौतियां आ सकती हैं? 90% लोगों ने वोट देकर इस मुद्दे को चुना है। बिल्कुल, और यहाँ पर जनरल विपिन रावत देश के पहले सीडीएस बने और जिस तरह से सेना के मॉडर्नाइजेशन की बात करें, इंटीग्रेशन की बात करें, थिएटर कमांड को बढ़ाने की बात करें, तमाम या मेक इन इंडिया मुहिम की बात करें, जिस तरह से उन्होंने एक पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था, अब कहीं ना कहीं एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दारोमदार है कि उनके उस विजन को आगे बढ़ाया जाए। उनकी इस क्षति को तो भरा नहीं जा सकता, लेकिन अब आगे क्या, इसी पर हम चर्चा करेंगे। यकीनन, पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और सैन्य अफसर लिद्दर के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया है। समूचे हिंदुस्तान को इस सदमे से उभरना मुश्किल है। जनरल रावत अपने पीछे एक गौरवशाली विरासत छोड़ गए हैं, साथ ही भारत की सेना को और मजबूत बनाने का वो विजन भी, जिस पर चलकर भारत वो अचूक ताकत हासिल कर सकेगा जो देश के लिए सबसे अहम है। रक्षा प्रमुख का पद संभालते ही वो कई खास प्लान पर काम कर रहे थे, जिसकी जरूरत देश में एक लंबे वक्त से महसूस की जा रही थी। जनरल रावत का हर प्लान, हर सपना साकार हो, यही महायोद्धा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और अब आगे उनके विजन को किस तरह से आगे ले जाया जाएगा, कौन सबसे मुफीद हो सकता है अगला सीडीएस बनने के लिए, क्या कुछ करना होगा, कहाँ कहाँ हम उनको मिस करेंगे, उनके एक्सपीरियंस को, उनकी एक्सपर्टीज को, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल मौजूद होगा। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। वो जोशीले बोल, वो हुंकार और आखिरी सांस तक मां भारती की सेवा में तत्पर रहने वाले जांबाज जनरल हमेशा याद रहेंगे। भले ही हेलीकॉप्टर हादसे ने हमसे हमेशा हमेशा के लिए महावीर योद्धा को छीन लिया, मगर मां भारती के ऐसे वीर सपूत कभी मरते नहीं, देश के दिलों में अमर रहते हैं। दिल्ली के बरार स्क्वायर पर सैन्य सम्मान के साथ जनरल विपिन रावत के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। क्या वीवीआईपी, क्या आम लोग और क्या हमारे सैनिक, सबकी आंखें नम थी। हर कोई उनकी कमी को तहे दिल से महसूस कर रहा था और यही तस्वीर दिखी उनकी आखिरी यात्रा में। जब फूलों से सजी सेना की गाड़ी में उनका आखिरी सफर निकला तो लोगों का हुजूम भी उनके साथ बढ़ा। ये देश के लिए दुखद पल जरूर है, मगर जिस वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को बनाने, चमकाने और देश को सुरक्षित रखने का काम किया, आज उनके आखिरी सफर में सब साक्षी बने। 43 साल तक सेना में रहने के दौरान जनरल विपिन रावत को हर चुनौतियों, हर जरूरतों की बारीकी से समझ थी। उत्तरी और पश्चिमी सरहदों के खतरे तो हैं ही, साथ ही भविष्य की चुनौतियों से निपटने का उनके पास अचूक प्लान था। और जब उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया तो उन्होंने विजन पर काम करना भी शुरू कर दिया। हमारे को अपनी सशस्त्र सेनाओं को और अन्य सिक्योरिटी एजेंसीज को एक बार फिर एकजुट होकर कार्रवाई करने के लिए उनकी क्षमता बढ़ानी चाहिए। इसमें सबसे अहम थिएटर कमांड योजना, यूनिफाइड सिक्योरिटी सिस्टम, साइबर युद्ध से निपटने की तैयारी, रॉकेट फोर्स, इन्फेंट्री में मेक इन इंडिया को बूस्टर। जनरल बिपिन रावत एक गौरवशाली इतिहास और शौर्य की विरासत छोड़ गए, साथ ही वो विजन भी जो हिंदुस्तान के आने वाले कल के लिए एक मील का पत्थर है। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अशोक चौधरी हमारे साथ हैं, रिटायर्ड पूर्व डीजीएफओ कॉर्प्स कमांडर हैं। मेजर जनरल संजय मिस्टन हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। तमाम ऑफिसर्स हमारे साथ हैं जो जनरल के आगे के विजन की दशा और दिशा को किस तरह से उसे पाया जाएगा, बढ़ा जाएगा, उस पर हमें बात करेंगे। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, सबसे पहले सर आपसे समझना चाहूँगा, आपके मुताबिक इस वक्त वो कौन सा क्षेत्र है, वो कौन सी चुनौती है जो भारतीय सेना रक्षा मंत्रालय के सामने है, जो सीडीएस का विजन रहा है, जिस पर बिना किसी इंतजार के आगे बढ़ते रहना होगा? देखिए अनुराग, ये जो विजन है, एक कलेक्टिव विजन है मेरा मानना है, और उसके ऊपर उनको जो जिम्मेदारी मिली थी
वो उसके ऊपर में बड़े बेवकूफी से काम कर रहे थे वो। और देखिए ये चुनौतियां, ऐसा नहीं कि चुनौतियां तो सबसे बड़ी है कि किस तरह से नॉर्दर्न फ्रंट है, कैसे हमारा वेस्टर्न फ्रंट, दोनों फ्रंट एंड टू एंड हाफ फ्रंट जो कि खुला हुआ है, ये बंद नहीं हुआ है, ये तो ऑन गोइंग है, जिसमें ना तो कोई इजाफा या कोई कटौती हुई है। आप जब देखते हैं जो आतंकवाद का फ्रंट है वो ऑन गोइंग है, चाइना का थ्रेट बना हुआ है वही, और पाकिस्तान के साथ जी। इसके साथ साथ उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली थी सिनर्जी के ऊपर में, इंटीग्रेशन के ऊपर में, जो कि हमारा बहुत बड़ा चिंता था कारगिल वॉर के बाद, और उस पर बहुत अच्छी तरह से सिनर्जी के मिलकर, सिनर्जी का मतलब होता है सभी का योगदान, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई आप बस्ते से निकाल के कोई स्ट्रैटेजी लाई है, और इसमें शेपिंग ऑफ उसी के लिए वो जा रहे थे, जब स्टाफ कॉलेज जा रहे हैं वो शेपिंग ऑफ सब आप करते हैं, उसमें बहुत योगदान, और उनकी लिगेसी, उनका जो विरासत है वो अब चलेगा, ये नहीं कि खत्म हुआ है, वो चलेगा। बिल्कुल, लेफ्टिनेंट जनरल अशोक चौधरी भी हमारे साथ हैं, के सिन्हा साहब की बात को ही आगे ले जाएं, ठीक है, इंटीग्रेशन सिनर्जी पर वो काम कर रहे थे जनरल बिपिन रावत, लेकिन एक चीज़ जनरल रावत ने बहुत मुखर होकर बार बार कही कि भारत का अब जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है, और टू फ्रंट वॉरफेयर के लिए हमें तैयार रहना होगा। ऐसे में उनकी दक्षता, उनका हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में जो एक्सपर्टीज़ थी, एंटी इंसर्जेंसी में जो तमाम एक्सपर्टीज़ थी, वो बेहद काम आ रही थी उस दिशा में एक रोड मैप तैयार करने के लिए। तो वहाँ पर कितनी बड़ी क्षति और किस तरह से इसकी भरपाई होगी और आगे उस दिशा में कैसे बढ़ना होगा, क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान और चीन की मजबूतियां आ रही हैं, नजदीकियां बढ़ रही हैं, वो एक चिंता का सबब है हिंदुस्तान के लिए। देखिए, हमारा देश एक सॉवरेन देश है और हमारी सिक्योरिटी हमारी खुद की जिम्मेवारी है, कोई और बाहर से नहीं आएगा कभी भी। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हमें यह जानना जरूरी है कि नेशनल सिक्योरिटी केवल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ही नहीं है, बट मल्टी डायमेंशनल इश्यूज हैं इसमें, जिसकी समझ जनरल बिपिन रावत को अच्छी तरह से थी, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि इस ये जो वाइड स्पेक्ट्रम है सिक्योरिटी का, उसमें इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, मिलिट्री, ये सब शामिल है, और कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल हो, न्यूक्लियर फील्ड हो, कुछ भी हो, सभी वॉर के एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करके तब पॉलिसी बनती है। तो जनरल रावत के टाइम में जब एक CDS बनाया गया तो ये मुद्दा था कि तीनों सर्विसेज को मिला करके हमारी जो नेशनल पावर है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए और ऑप्टिमम लेवल पे हम कैसे उनका यूज़ करें, और हमारे पास जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है और जो हमारा देश उसमें सपोर्ट कर सकता है उसका ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के एक CDS बनाया गया, और इसलिए CDS ने लॉजिस्टिक्स में तो कम्प्लीटली तीनों सर्विसेज की क्या ज़रूरतें होती हैं, जिसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, अगर एक ही सामान दो सर्विस को चाहिए तो दोनों अलग अलग खरीदने की बजाय एक जगह खरीदा जाए, और ऐसे इक्विपमेंट बनाए जाएं जो बाहर ना खरीद करके देश में बनाए जाएं, और जी जो चाइना पाकिस्तान ये जो बात कही गई थी टू एंड हाफ फ्रंट, क्योंकि आज हमारा नंबर वन एनिमी जो सब दिन से अब हम समझते हैं और पूरा देश समझता है कि चाइना है, दूसरा पाकिस्तान है, और जो हाफ हम बताते हैं वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है जो प्रॉब्लम हमारे पास है। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी जो बनानी है, इसको ख्याल में रखते हुए सरकार ने एक CDS बनाया ताकि सारी चीज़ें एक जगह से उनको बताया जाए। बिल्कुल, इसमें जनरल रावत साहब ने बड़े ही अच्छे ढंग से इसकी शुरुआत की और हर पहलुओं पर स्टार्ट जो फर्स्ट एक्शन लिया जाता है वो कार्रवाई शुरू की। उसी के तहत है, एक है तो नो योर एनिमी, चाइना में क्या है नहीं है, पाकिस्तान में क्या है नहीं है, और हमारी स्ट्रेंथ क्या है और क्या वीकनेसेस हैं, क्या हथियार चाहिए, मॉडर्नाइजेशन किस तरह से करना है, किस टाइम लिमिट में मॉडर्नाइजेशन करना है, किस स्पीड में करना है,
कितना करना है, अभी कितना कर सकते हैं, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्या नेवी की प्रायोरिटी चंद एक चीज़ में ज़्यादा है, एयरफोर्स की प्रायोरिटी चंद एक चीज़ में ज़्यादा है, आर्मी की स्पेसिफिक प्रायोरिटी है नॉर्दर्न बॉर्डर पर, इन सब को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिसीज गवर्नमेंट के से मेल मिलाप करके उन्होंने बनाई और इसको कार्यान्वित करना शुरू किया। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं, चाहे चाइना बॉर्डर था, उन पर लगातार तेजी से काम होता रहा। लेकिन अश्विनी सिवाच सर, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, लगातार ये कहा जाता है कि भारत में ढाई मोर्चों पर तैयारी की जाती है, चीन, पाकिस्तान और आंतरिक इंटरनल सिक्योरिटी, जिसका जिक्र यहाँ पर अशोक चौधरी साहब भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि दुनिया के बाकी देश जहाँ पर सीडीएस जैसी व्यवस्था है उनके मुकाबले यहाँ चुनौती कहीं ज्यादा है भौगोलिक लिहाज से भी? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती है। और जब से देखो, बार बार ये सोच विचार हो रहा था कि भारत और चीन के साथ $100 बिलियन का ट्रेड है, और इसलिए भारत एक बहुत बड़ी मार्केट देता है चीन को, और चीन के साथ भारत का कोई बड़ा युद्ध नहीं होगा। मगर जब डोकलम हुआ तो तभी हमें थोड़ा शक हुआ था कि चीन पे भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। और जब इन्होंने लद्दाख के अंदर अप्रैल 2020 के अंदर करीब 3 डिवीजन लेके आ गए, तो उससे ये साफ हो गया कि चीन को आप ये समझें कि आपका ट्रेड उनके साथ है, आपकी लड़ाई नहीं होगी, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और कहीं ना कहीं हम उनसे थोड़ा सा पिछड़ गए कि वो लास्ट जो 70 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग करते रहे अपने लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बॉर्डर में, वो भारत थोड़ा सा पीछे रहा। अभी जो कैचअप हमने किया 10 से 15 साल में, और हमने भी अभी जो सड़कें और रेलवे लाइन लॉजिस्टिक के लिए आपके डम्प्स और पाइपलाइन बनाई, तो तब उसको एक प्रकार से खतरा महसूस होने लगा और तभी वो प्रॉब्लम डालने लगा। इसका मतलब यह है, जब तक उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया तो वो चुप रहा, और जब भारत ने करने लगा तो उसके बारे में बातचीत करने स्टार्ट किया, प्रेशर डाला। मगर ये सच्चाई है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक खतरा काफी बड़ा है चीन के साथ, और इसीलिए जनरल रावत जो सेकंड मिलिट्री लीडर या लीडर हैं जॉर्ज फर्नांडिस के बाद, जिन्होंने ये बताया कि जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। दूसरा जो बात आपने बोली कि ढाई फ्रंट की, इसी प्रकार से वेस्टर्न फ्रंट में जो पाकिस्तान है उसका जो एक प्रकार थ्रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। वो थ्रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपको मालूम है कि जो पाकिस्तान की पॉलिसी है ब्लीड इंडिया विद 1000 कार्ड, उसमें और बढ़ावा हो रहा है। जिस बिल्कुल इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूं, हमारे साथ मेजर जनरल, और मैं इसमें थोड़ा फिनिश करता हूं, मैं एक 10 सेकंड। तो इसमें जब से तालिबान वहां अफगानिस्तान में आ गया है और 6 से 8 हजार जो लश्करे तोबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी जो कि तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे, वो भी अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आ गए हैं, तो इसलिए खतरा वहां से भी बड़ा है। और जो इंटरनल खतरा, चाहे तो वो जम्मू एंड कश्मीर में है या नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी का है, ये खतरा हरदम रहेगा। इसलिए आपको दो फ्रंट नहीं हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो में आपका ढाई फ्रंट हो, इसलिए आपको सिनर्जाइजेशन की बहुत जरूरत है, आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अगर उंगली की तरह लड़ोगे तो नहीं काम का, आपको मुट्ठी बनानी पड़ेगी। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिस्टन साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी एक थ्रेट है, ये भी यहाँ पर सर ने सिवाच साहब ने कहा, लेकिन एक और चीज है कि कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन जो है तीनों सेनाओं का, उस पर बहुत जोर शोर से काम हुआ है अगर पिछले 5 सालों की बात की जाए, तो उस दिशा में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब अचानक से यूं जनरल बिपिन रावत का समय चले जाना एक बड़ा झटका होगा उन तमाम प्रोक्योरमेंट्स के लिए जो वेपन्स के लिए नए टेंडर्स थे, या फिर वो प्रक्रिया अपनी तरह से चलती रहेगी? पिनाज, मेरे को शायद आपका आखिरी सवाल समझ में नहीं आया था जी, कहीं पर वो आवाज में थोड़ा डाउन। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ सर, मॉडर्नाइजेशन के बारे में पूछा था जी, मैं ये कह रही हूँ कि मॉडर्नाइजेशन की दिशा में भी जो जनरल बिपिन रावत के एजेंडे में जो चीजें थी, जिसमें इंटीग्रेशन था, सिनर्जी थी, मॉडर्नाइजेशन भी उसमें एक टॉप प्रायोरिटी थी, और हाल के दिनों में हमने देखा कि किस तरह से नए इक्विपमेंट्स और मॉडर्नाइजेशन मेक इन इंडिया पर काम हो रहा है, तो उस पूरे प्रोजेक्ट को भी झटका लगेगा उस दिशा में, अब आगे कैसे काम होगी, क्या वो प्रोसेस स्लो डाउन होगा उनके ना रहने से?
मेरे को लगता नहीं है कि कोई झटका लगेगा या प्रोसेस स्लो डाउन होगा, क्योंकि देखिए एक सिस्टम ऑलरेडी शुरू हो गया है और जैसे अभी सारे को पैनलिस्ट ने बहुत क्लियरली थ्रेट एनालिसिस बहुत दुरुस्त तरीके से बताया है, तो उसी के लिए हमने अभी दूसरा स्टेप है कि क्या तैयारी करनी है, और तैयारी करने के लिए काफ़ी मुद्दे होते हैं जिसमें मॉडर्नाइजेशन एक बहुत बड़ा फैसेट है। मॉडर्नाइजेशन जो अभी चालू हो गया है इस पर मेरे को नहीं लगता है कि इसमें कोई रुकावट होगी, क्योंकि ये टीम्स हैं तीनों सर्विसेज की जिनकी ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट और सारी ड्रिल्स और लेट डाउन SOPs ऑलरेडी इन प्लेस हो चुकी हैं, तो अब जो है इसको सिर्फ बढ़ोतरी ही मिलती रहेगी। और हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि मॉडर्नाइजेशन में एक प्रोसेस तो शुरू हो गया है, नई चीज़ें क्या हमने प्रोक्योर करनी है उस पर भी अभी जो नए CDS आएंगे और जो तीनों सर्विसेज को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, चाहते तो हम बहुत कुछ है कि इंडिया में ये भी होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट एक चीज़ हमको समझना चाहिए, बिकॉज इस सब में एक इकोनॉमिक कॉस्ट जरूर आती है। बिल्कुल। और वी हैव टू लिव बाई एशियन स्टैंडर्ड, जो हमारा जो स्टैंडर्ड है हमारे बजट के मुताबिक हमको चलना है। हम मतलब अगर चाहें कि कल हमारे पास सारे अमेरिका जैसे या इजरायली जैसे हथियार आ जाए, आधुनिक हथियार, वो तो पॉसिबल नहीं है इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में, हर देश चाहता है। तो अपने इकोनॉमिक बजट को देखते हुए और हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। मॉडर्नाइजेशन में भी हमें कुछ इंडिजिनाइजेशन करना पड़ेगा, जो प्रधानमंत्री का है आत्मनिर्भर भारत, और जिसमें CDS साहब का बड़ा सपोर्ट रहा है। बिल्कुल, स्वदेशीकरण की जो आप बात कर रहे हैं सर, उसका जिक्र लगातार CDS विपिन रावत करते रहे। मैं आएंगे हम आगे उस पर और उस मुद्दे पर भी, आप एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जल थल और नभ हर मोर्चे पर हिंदुस्तान को मजबूत करने की योजना पर CDS विपिन रावत की अगुवाई में काम चल रहा है। जनरल रावत की प्राथमिकता में थिएटर कमांड का गठन सबसे ऊपर था। रक्षा प्रमुख का पद संभालते ही जनरल बिपिन रावत ने तीनों सेना के ताकत को एक करना शुरू कर दिया था, और इसके तहत वो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनाने पर काम कर रहे थे, जिससे सेना के तीनों अंगों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच और बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सके। चार नए थिएटर कमांड बनाने पर बिपिन रावत काम कर रहे थे। इसे लेकर 1 नवम्बर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं के प्रमुखों और अन्य सैन्य अधिकारियों की बैठक हुई। रावत जिस थिएटर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट चीन और पाकिस्तान से आने वाले खतरे से निपटने में अहम रोल अदा करेगा। अभी देश में करीब 15 लाख सशक्त सैन्य बल हैं। इन्हें संगठित और एकजुट करने के लिए काफी समय से थिएटर कमांड की जरूरत महसूस की जा रही थी, और खबरों के मुताबिक देश में जो 4 थिएटर कमांड बन सकती है उसमें पश्चिमी थिएटर कमांड, उत्तरी थिएटर कमांड, पूर्वी थिएटर कमांड और दक्षिणी थिएटर कमांड शामिल है। फॉर आर्म फोर्सेस टू सक्सीड इन द फ्यूचर वॉर्स वी नीड इंटीग्रेशन एट द नेशनल लेवल एज वेल एज बिटवीन आवर 3 सर्विसेज। अमेरिका और चीन समेत दुनिया की तमाम अल्ट्रा मॉडर्न सेनाएं अब थिएटर कमांड के तहत ही काम कर रही हैं, और इन देशों के पास कई थिएटर कमांड्स मौजूद हैं, जबकि भारत के पास साल 2001 में बना सिर्फ 1 थिएटर कमांड है, जिसकी वजह से 4 नए थिएटर कमांड जनरल बिपिन रावत के प्राथमिकता लिस्ट में सबसे ऊपर था, क्योंकि थिएटर कमांड से बनी रणनीतियों से दुश्मन पर अचूक वार करना आसान हो जाता है, और तीनों सेनाओं के संसाधनों और हथियारों का इस्तेमाल भी एक साथ किया जा सकता है। इसी वजह से जनरल रावत थिएटर कमांड्स के ऊपर काफी मेहनत कर रहे थे। हाल ही में अपने अमेरिकी दौरे के दौरान नॉर्दर्न अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड का दौरा किया था। अब जनरल रावत के इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम भावी CDS को करना होगा। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, हमारे साथ हमारे खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अशोक चौधरी जी भी हैं। सर, आपसे समझना चाहूँगी मैं यहाँ पर कि जो थिएटर कमांड की एक्सटेंशन को लेकर CDS विपिन रावत हमेशा से मुखर रहे थे, और हमेशा से उन्होंने वकालत की थी इस बात की कि इनकी संख्या हमें बढ़ानी चाहिए और इस ओर हमें फोकस करना चाहिए, तो उस दिशा में भी बहुत तेज़ी से कदम उठाने की ज़रूरत है, तो अब वो नहीं है, तो किस तरह से अब हमें आगे बढ़ना होगा? एकदम सही कह रहे हैं आप। देखिए, जो फ्यूचर वॉर सिनेरियो जो उन्होंने बोला था, ऐसा है कि आज फ्यूचर वॉर सिनेरियो में जो कॉम्बैट होगा वो कॉम्प्रेस्ड इन टाइम, ये नहीं होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह कि 2 साल तक चलता रहेगा, बड़ा कॉम्प्रेस्ड होगा,
शॉर्ट होगा, स्विफ्ट होगा और लिमिटेड एम लेकर के होगा। तो अगर ऐसा फ्यूचर वॉर सिनेरियो है हमारे पास सामने, तो थिएटराइजेशन का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे देश में इतना बड़ा देश है, हर तरह के बॉर्डर्स हैं, टेरेन हर तरह का है, ऐसा कोई देश दुनिया में नहीं है जहां पर इतनी सारी टेरेन है जो इंडिया में है, चाहे वो हाई ऑल्टीट्यूड है, पहाड़ी है, जंगल है, मरुभूमि है, नॉर्मल प्लेन्स हैं, रिवराइन टेरेन है, सब टेरेन है और एरिया इतना वास्ट है। तो अगर हम मूवमेंट या उसके ऊपर एक्शन करने के लिए अगर हमारे पास दो तरफ से अटैक हो सकते हैं तो उसमें समय लगेगा और इतना समय हम लोगों के पास नहीं होगा। इसलिए थिएटराइजेशन जब होगा कि आप नॉर्दर्न बॉर्डर पे जो वहाँ की लड़ाई के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सब उनको वहीं अवेलेबल हो, उसके बाद जब आगे और एक्स्ट्रा उनको सपोर्ट चाहिए होगा तब तक इतना समय मिल जाएगा कि आर्मी चीफ या सीडीएस या नेवल चीफ, एयर चीफ मिल करके वहाँ पर प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन इमीडिएटली फॉर ए शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट इट इज़ नेसेसरी कि आपको थिएटराइजेशन हो जाए। अगर साउथ में है या वेस्टर्न कमांड में है या ईस्टर्न कमांड इतना लंबा चौड़ा है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के उनकी ये सोच थी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोच थी। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि ऐसा नहीं है कि ये क्या एनालिसिस है, थ्रेट एनालिसिस पहले नहीं पता था, पहले भी पता था, लेकिन जो लोग पावर में थे उनकी समझ में उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इसमें मैं सीडीएस जनरल रावत को दाद देता हूं कि उन्होंने इस चीज को पॉलिटी को समझाया और इस ढंग से समझाया कि उनकी समझ में आ गया। इसलिए प्रायोरिटी मॉडर्नाइजेशन पे आई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आई, फंड्स आए, सपोर्ट मिला, मॉरल सपोर्ट मिला, फिजिकल सपोर्ट मिला, हर तरह से सपोर्ट मिला, पॉलिटिकल सपोर्ट मिला, तभी आज वो उस कार्रवाई को बड़ी तेजी से कर रहे हैं। लेकिन संजय मेस्टन सर, माफ कीजिए मैंने आपको रोका था, सर दर्शकों को अगर आप थोड़ा सरल शब्दों में समझा सकें कि थिएटर कमांड जिसका सपना विपिन रावत ने देखा था, वो थिएटर कमांड होती क्या है, अगर वो वजूद में आती है पूरी तरीके से हमारे देश में, तो इससे हमें रक्षा के मोर्चे पर क्या कुछ फायदा होने जा रहा है? जैसे ये बताया गया है थिएटर कमांड, बेसिकली चार थिएटर कमांड्स हम प्लान कर रहे हैं, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न और सदर्न। मैं वेस्टर्न कमांड का ये चलिए उदाहरण दे सकता हूँ, वो टोटल उसका फोकस, प्राइमरी फोकस रहेगा पाकिस्तान के खिलाफ। अब सरल शब्दों में समझने के लिए कि उधर जो भी थिएटर कमांडर होगा जब लड़ाई होगी तो उसके अंडर एबिनिशो इनिशियली से ही सारे रिसोर्सेज प्लेस किए जाएंगे अंडर कमांड, जिसमें शामिल हो जाएंगे एयर एसेट्स। बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है एयर एसेट्स की, तो वो बिल्कुल डेडिकेटेड होगा। और जिस प्रकार जनरल चौधरी ने भी बोला है कि जो अभी की लड़ाई है वो बहुत शॉर्ट क्रिस्प लड़ाई होगी, तो उस समय आपको मौका नहीं मिलेगा कि यहाँ से फोर्सेज स्विच किए। एयरफोर्स का व्यू ज़रूर ये है कि उनकी एयरक्राफ्ट्स में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, पर किसी भी कमांडर को पता होना चाहिए कि मेरे अंडर में कौन से डेडिकेटेड रिसोर्सेज हैं, और जब उसको पता है कि ये मेरे डेडिकेटेड रिसोर्सेज हैं तो उसका उसकी प्लानिंग ताजवी सब उसके मुताबिक होगी। मान लिए कल नॉर्दर्न फ्रंट एक्टिवेट नहीं होता है या ईस्टर्न फ्रंट एक्टिवेट नहीं होता है चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ है, तो इस लिहाज में जो भी ग्राउंड में हमारे ट्रुप्स हैं वो तो तकरीबन वहीं डटे रहेंगे, क्योंकि कुछ पता नहीं है दुश्मन वहाँ से कब क्या कर सकता है। लेकिन कुछ एयर एसेट्स, कुछ चीज़ें वहाँ से डाइवर्ट की जा सकती हैं दूसरी कमांड की तरफ। तो कहने का मतलब है एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी इनकी एम्प्लॉयमेंट में, बट एक होता है जो शुरू से ही एक कमांडर को पता होना चाहिए कि मेरे अंडर में ये डेडिकेटेड रिसोर्सेज हैं, तो वो होना चाहिए और उससे उनका कॉन्फिडेंस और प्लानिंग में सब में आसान होगा। अभी उदाहरण के तौर पे सदर्न कमांड, सदर्न कमांड आपको पता है कि जो भी बनेगा, हमारे एसेट्स दोनों तरफ हैं, नेवल एसेट्स ईस्टर्न कोस्ट में और वेस्टर्न कोस्ट में। ईस्टर्न कोस्ट आपका कलकत्ता तक जाता है और वेस्टर्न कोस्ट आपका
बॉम्बे से भी थोड़ा आगे जाता है, तो ये कोस्ट पूरा मान लिया कोई नेवल कमांडर के पास है जो थिएटर कमांडर हैं, तो जितने आर्मी एसेट्स हैं वहाँ पर वो सारे उनके अंडर में हो जाएंगे, एयर एसेट्स उनके अंडर में हो जाएंगे, तो बेसिकली लेमैन लैंग्वेज में इस प्रकार वो हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कहीं रिजर्वेशंस हैं इसमें, ये बहुत सरल चीज़ नहीं है, क्योंकि जनरल रावत को भी इसमें बहुत अपोजिशन फेस करना पड़ा था। देखिए नेवी का और आर्मी का बहुत क्लियर कट रोल है, लेकिन एयरफोर्स का जो है उनका बेसिकली सपोर्ट रोल है। उनके तीन मुख्य टास्क हैं, एक तो स्ट्रेटेजिक टास्क जिसमें उनको दुश्मन के गहराई में जाके डेप्थ एरिया में स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग करनी है, वो ऑब्वियसली उसकी प्लानिंग अलग है, उसके लिए सेंट्रलाइज्ड रिसोर्सेज चाहिए, और वो जो भी करेंगे वो आर्म फोर्सेस की जो लड़ाई है ग्राउंड में उसी के मदद में करेंगे। उदाहरण के तौर पे स्ट्रेटेजिक एसेट्स में दुश्मन के ये आ जाते हैं रिजर्व फॉर्मेशंस, तो रिजर्व फॉर्मेशंस को बर्बाद करना, उनको हमारे फॉर्मेशन की तरफ उनके ब्रिजेस को रोकना जिससे उनको डिले फैक्टर हम करके और उनको नुकसान पहुंचाए। जी, और दूसरा है एकदम क्लोज एयर सपोर्ट, एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल है, चाहे नेवी के सर बहुत सरल शब्दों में आपने समझाया, थिएटर कमांड क्लोज सपोर्ट देना बहुत है। और तीसरा है जो एयर डिफेंस एसेट्स है उसका, यानी तीनों को इंटीग्रेटेड तरीके से कैसे वॉर लाइक सिचुएशन में इस्तेमाल करना है। के सिन्हा साहब भी हमारे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। सिन्हा साहब, हमने अपने सीडीएस को खोया, हमारे जाबाज सैनिक जो हैं जिनमें अधिकारी कमांडोज पायलट फाइटर पायलट सभी शामिल थे, बेहद दुखद लम्हा था। दुनिया भर से तमाम लोगों ने शोक व्यक्त किया, कुछ फॉरेन डेलीगेट्स जो थे वो अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे भी, लेकिन चाइना ने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया हमारी फौज को लेकर। तो क्या जब इस तरह के सीडीएस की यूं असमय हमारे बीच से चले जाना किसी भी तरह से सेना के मनोबल या फिर हमारी जो एक परसेप्शन होता है उसमें किसी तरह का कुछ बाधा या हनन आता है इससे? देखिए प्रणाम का, इतने बड़े यू नो एक लेजेंडरी फिगर जो यू नो काम कर रहे थे, विच इज इन प्रोग्रेस, जो हम कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक कंटिन्यूटी, तो फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, शायद ये गलत मैसेज जा रहा है पूरे भारत को, तो जाहिर है ऐसा कोई नहीं है कि आउट ऑफ बॉक्स कोई कैट चीज निकली है, कोई बक्सा से निकाला और हमने शुरू कर दिया। ये बहुत दिनों से इस पर काम चल रहा है और लोग बहुत लगे हैं, बहुत सोच ब्रेन स्ट्रॉमिंग, आप समझती हैं कि क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिकली हम शिफ्ट हो रहे हैं। और ये नहीं है कि केवल इंडिया को कैसे हमें बचाना है थिएटर से, हम जब बात करते थे नेवी की विजन होती थी स्टेट ऑफ मलाका टू स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके इंडियन इंडो पैसिफिक भी इलाका है, तो ये चीज जनरल बिपिन रावत बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और जनरल बिपिन रावत के बारे में ये बताऊं, मैंने उनको 17 साल से जानता हूं, मेरे स्क्वाड्रन के हैं, हमने वहां से देखा है, हमने स्ट्रेटेजिक कोर्स साथ किया है नेशनल डिफेंस कॉलेज का जो कि स्टाफ ब्रिगेडियर लेवल पे, और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ बदला भी है, हमारे डीजीएमओ साहब बैठे हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जो चीज आपने बोली जो चाइना कर रहा, चाइना का जो प्रोपेगेंडा वॉर है, जो वॉर जो मॉन्गरिंग है कि उसने क्या कहा, चाइना कहता है कि ये दिखाता है कि जो मॉडर्नाइजेशन आप कर रहे थे वो उसको दर्शाता है उसमें वीकनेसेस। देखिए इसके ऊपर में दो बातें और चल रही हैं, यदि आपने देखा होगा तो एक बात ये भी चल रही है कि क्या ये वही नॉन कॉन्टैक्ट वॉर का हिस्सा है, यदि चाइना कहता है तो इसके तरफ में तो इंगित करना पड़ेगा ना। नॉन कॉन्टैक्ट वॉर में यदि आप देखिएगा तो एक चीजें आ रही हैं सामने कि आपके ताइवान में भी इसी तरह का हादसा हुआ, उनके चीफ मारे गए 2020 में और 7-8 जनरल मारे गए। तो हम इन चीजों को इससे ऊपर उठना चाहते हैं, हम आगे की तरफ चलना चाहते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे फौज के अंदर में, तीनों सेनाओं के अंदर में इतनी काबिलियत है, इतनी बड़ी सोच है कि जो लकीर जनरल बिपिन रावत ने खींचा है, जो विरासत, मैं फिर से कहता हूं लिगेसी खत्म नहीं हुई, वहां से चली है और लकीर बड़ी बनेगी। तो ये चीज कहना कि क्या ये ठप हो जाएगा, रुक जाएगा,
ब्रेक लग जाएगा, कोई थिंकिंग। ये जनरल बिपिन रावत की सोच हर एक लोगों को पता है, इसलिए वो स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। ये कोई बंद दरवाजे के पीछे काम नहीं चल रहा है। सर, आपने सही कहा कि भारतीय सेना एक बहुत ही अनुशासनात्मक तरीके से, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से चलती है। तमाम पेपर वर्क होते हैं, तमाम जो प्लानिंग है सब कुछ चॉकआउट होती है और उसी सुनियोजित ढंग से जो है आगे की रणनीतियां बनेंगी। तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने तमाम जूनियर्स को उस तरह से ट्रेन किया होगा कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर वो उस मंजिल तक जरूर पहुंचे जिसका सपना CDS रावत ने देखा था। बिल्कुल, CDS विपिन रावत का जो नजरिया है वो दूरदर्शी था। सैन्य साजो सामान के मामले में वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की लगातार वकालत करते हैं। जनरल रावत ने नए हथियारों से भारतीय सेना को लैस करने के मिशन में किस तरह से उस सोच को आगे बढ़ाया, किस तरह से उस दिशा में वो काम कर रहे थे और आगे अब दिशा में क्या होना है, अपने मेहमानों से करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। CDS जनरल बिपिन रावत के इरादे बुलंद थे। वो दुश्मन की हर चाल को भांपने में माहिर थे और इसी के मुताबिक वो भारतीय सेना का मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे। चाहे पाकिस्तान हो या फिर चीन, जनरल रावत हर चुनौती को ध्यान में रखकर भारतीय सेनाओं को जंगी हथियारों और साजो सामान से लैस करने के मिशन में लगे थे। पिछले साल दिसंबर में DRDO के एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि अगर भविष्य में युद्ध की नौबत आती है तो हम स्वदेशी हथियारों से दुश्मन को हराएंगे। हमारे को युद्ध की चुनौती का सामना करना पड़ता है तो हम आत्मनिर्भर भारत के तहत हिंदुस्तान में बनाए गए हथियार और असला से लड़कर विजयी निकलकर उभरेंगे। 90% जो इक्विपमेंट और हथियार जो बनाए जाएंगे वो सब मेक इन इंडिया भारत में ही बनाए जाएंगे। आर्मी के हथियारों को अपग्रेड करने के लिए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मॉडल पर बिपिन रावत की निगरानी में ही काम चल रहा था। जनरल बिपिन रावत ने सबमरीन और टैंकों को साझा तौर पर बनाने की इजाजत दी थी। इस प्रोजेक्ट पर बिपिन रावत ने कहा था कि यह सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने में मदद करेगा। हमें धीरे धीरे अपने टैंकों को बदलने के बारे में सोचना होगा, अपने कुछ पुराने सिस्टम को अगले 7 से 8 साल में बदलना होगा। अब जनरल बिपिन रावत भले ही हमारे बीच नहीं है लेकिन उनके शुरू किए गए मिशन की रफ्तार सुस्त नहीं पड़नी चाहिए। लगातार हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। हमारे साथ सिन्हा साहब भी लगातार बने हुए हैं और सिवात साहब भी हैं। अश्विनी सिवात साहब, ये सवाल लेकर मैं आपके सामने आऊँगी जो हमने अभी रिपोर्ट देखी कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत किस तरह से वक्त की ज़रूरत भी है और इकोनॉमिक के लिहाज से भी और ख़ुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिहाज से भी का जो मॉडर्नाइजेशन है वेपन्स का और उसका मेक इन इंडिया है वो उस दिशा में भी एक जोरदार तरीके से कामकाज चल रहा था। तो अब आगे क्या, उसे कैसे आगे और बढ़ाना है और तेजी के साथ आगे बढ़ाना है? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भारत की डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन होना है और जिस प्रकार से हम हथियार, भारत इकोनॉमिकली और मिलिट्री स्ट्रॉन्ग आगे बनेगा तो आपको मिलिट्रली अगर स्ट्रॉन्ग बनना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 60 से 70% आप डिफेंस का इक्विपमेंट बाहर से खरीदें। आपके पास इतना पैसा नहीं है। अगर आप इतना पैसा यूज करते हैं बाहर से सामान खरीदने के लिए तो आपके पास इकोनॉमी के लिए पैसा कम हो जाता है। इसलिए अभी तरीका आया है कि भारत के अंदर ही सामान बनना चाहिए जिससे आप मॉडर्नाइज हों, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज ना जाए और आप इतनी काबिलियत हासिल कर लें कि कुछ सामान आप यहाँ पर बना के बाहर बेचें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ब्रह्मोस मिसाइल है, आपने बनाई, आप इंडोनेशिया, वियतनाम और बाकी देश इसको खरीदना चाहते हैं। इसी प्रकार से अभी आपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया, उसको खरीदना चाहता है इजिप्ट भी है, सऊदी अरेबिया भी कुछ ना कुछ उसके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो मतलब यह है कि आज की तारीख में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट कि आने वाले समय के अंदर 200 से ज़्यादा आइटम ऐसे नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में बना दिए कि वो आइटम हम बाहर से खरीदेंगे नहीं। उसमें टैंक्स भी हैं, उसमें आर्टी गन्स भी हैं, उसमें शिप भी हैं, सबमरीन भी हैं, बल्कि वो भारत में ही बनाएंगे। और अगर भारत
कुछ सामान बाहर से खरीदना पड़ता भी है तो उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, मतलब कि वहां से ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हो और भारत में बढ़े। मिसाल के तौर पे जब एक AK-203 अभी ये असॉल्ट राइफल हम बना रहे हैं रूस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होके 7 साल के अंदर ये पूरी टेक्नोलॉजी भारत के अंदर आ जाएगी। इसी प्रकार से जो हथियार हम बाहर से खरीद रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल K9 वज्रा एक सेल्फ प्रिपेयर्ड गन है, उसको हमने खरीदा मगर उसकी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की साउथ कोरिया से, उसको अभी हमारे पास जो है खुद यहीं पर बना रहे हैं, LNT बना रहे। इसी प्रकार से M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर जो हमने अमेरिका से खरीदी उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ हमारा अब महिंद्रा डिफेंस बना रहा है। तो मतलब यह है कि आने वाले समय में हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि 25 से 30 और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाना है कि हम डिफेंस इक्विपमेंट बाहर की बजाय खरीदने के भारत में बनाएं, इतनी क्षमता और... भी करें कि हम सामान बना के बाहर बेच पाए, ठीक बात, एक्सपोर्ट भी कर सकें, इम्पोर्ट की छवि भारत की ना बनी रहे। लेकिन अशोक चौधरी साहब, हथियारों का स्वदेशीकरण, हथियारों के आधुनिकीकरण के साथ साथ सिर्फ पैसे से बजट से जुड़ा मसला नहीं है, ये बाकी लोगों को रोजगार देने से जुड़ा मसला है, एक भरोसा पैदा करने के लिहाज से एक मसला है और एक भारत की एक नई तस्वीर जिसमें एक्सपोर्ट की बात जो अश्विनी सिवाच साहब कह रहे हैं उसका भी मसला है। CDS विपिन रावत का ये सपना रहा कि हम आधुनिकीकरण भी करें और स्वदेशीकरण पर भी जोर दें, आपको लगता है कि इसकी जो रफ्तार है उसको थोड़ा और तेज बढ़ाना होगा? मैं आपसे एकदम सहमत हूँ क्योंकि अभी शुरुआत थी और वहाँ पर इनिशियली ऑब्स्टिकल्स कुछ आते हैं, टीथिंग प्रॉब्लम्स होती है और वो उन्होंने काफ़ी हद तक उनको दूर किया। अब ज़रूरत है कि उसको और भी तेज़ी से लाया जाए। दो तीन बातें मैं जनरल रावत के बारे में आपको बताता हूँ। जहाँ तक ये मेक इन इंडिया का सवाल है, अबाउट 3-4 महीने पहले की बात है, हमने उनके साथ एक मीटिंग थी मेरी दिल्ली में और उन्होंने कम से कम 1 घंटे मेक इन इंडिया के बारे में बात किया। उनका जो विजन था, उनका जो इंटरेस्ट था, उनका जो पुश था पूरे मिनिस्ट्री का इसके ऊपर, वो बहुत ही मुझे खुशी दे रहा था अंदर से कि आज भारत में हम लोग सब चीज़ अपने तरह से बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, लोग ऐसा ना समझें कि हमारे बनाने में समय लगेगा तो तब तक क्या होगा, ऐसी बात नहीं है। हम ये यकीन करते हैं कि हम एडिक्वेटली हैंडल कर सकें जो करेंट लेवल ऑफ थ्रेट है और वो थ्रेट एनालिसिस हम लोग बड़े अच्छे ढंग से करते हैं इंडिया में और हमारी फौज करती है और जो भी ये एनालाइज करते हैं सिक्योरिटी को, उन्होंने ये ध्यान में रखा है कि करेंट थ्रेट को कैसे हम अभी अगर लड़ाई हो जाए तो उसके लिए भी हम तैयार हैं और प्रोग्रेसिवली हम कैसे अपना अपग्रेड करेंगे उसके लिए टाइमिंग्स हैं, कितने परसेंट हथियार हम पुराने इस्तेमाल करेंगे, कितने हम नए इस्तेमाल करेंगे, कितने हम बदलेंगे और कितने हम खुद बना करके किस टाइम पे बदलेंगे, ये सब प्लानिंग एक प्रॉपर ढंग से होती है और ये काफ़ी हद तक रावत साहब ने, उनके जितने भी टीम होंगे, तीनों सर्विसेज ने मिलके इन्होंने किया हुआ है। तो ये चिंता की बात नहीं होनी चाहिए कि अगर हम, कई लोग कहते हैं कि मेक इन इंडिया में तो तुम्हें टाइम लगेगा, ऐसी बात नहीं है। हम हमेशा थ्रेट के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो चाइना का हो, पाकिस्तान का हो या अंदरूनी हो। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। एक सवाल जो सबके जहन में अब है कि अब आगे क्या और अगला CDS कौन, उसका चुनाव कैसे, कितना वक्त लगेगा, ये तमाम सवालों को भी आपके बीच हम लेकर आना चाहते हैं। संजय मिस्टर सर, असम में यूं CDS जनरल बिपिन रावत का हमारे बीच से चले जाना पहली बार ये पोस्टिंग थी, नई पोस्ट थी, तो क्या इसको लेकर भी तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो फिक्स्ड होंगी कि अगले CDS का चुनाव कैसे होगा, क्या अभी फौरी तौर पर किसी को CDS बनाया जाएगा या तुरंत ही परमानेंट CDS अपॉइंट होगा, कितना वक्त लगेगा? पिनाज, आपने उचित सवाल उठाया, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे को 1 मिनट दिएगा, मॉडर्नाइजेशन की हम बात कर रहे हैं जी। और आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया था कि ये साथ में हमारे देशवासियों को एम्प्लॉयमेंट देता है जब हम ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ध्यान देंगे, लेकिन इश्यू है कि हमारे देश में क्या चीज़ें हैं। आज मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में देखिए हथियार सिस्टम में, चाहे शिप्स में, बिल्डिंग में, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्टील, और इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील आफ्टर चाइना।
तो हमारे देश के अंदर इतना हाई ग्रेड स्टील बनता है, मैं और मेरा विचार है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी आप रेलवेज़ को देखिए, इंडियन रेलवेज़ पहले ये रेलवे लाइंस इंपोर्ट करती थी, अभी हमारे पास बुलेट ट्रेन आ रही है, जो आपको पता है प्रोजेक्ट चल रहा है अहमदाबाद और बॉम्बे के बीच में, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है, हमारे पास हाई स्पीड मेट्रो ट्रेन्स हैं। रेलवेज़ ने ये तमाम स्टील फैक्ट्रीज़ में गई, टाटाज में, जिंदल स्टील, पावर वगैरह में, वहाँ पर उन्होंने बताया। और देखिए, स्टील में कुछ एलॉयज डालने पड़ते हैं और उसकी मजबूती वगैरह इस प्रकार होती है। उसके बाद उन्होंने अब इतनी बढ़िया रेलवे लाइन बना रहे हैं, हाई स्पीड रेल लाइंस, और आपको हैरानी होगी कि 120 मीटर की लंबी एक रेल बिल्कुल बन रही है और प्रोड्यूस हो रही है, और रेलवेज उसको अप्रूव कर रहा है। कहने का मतलब, हमारी DRDO को और सीनियर डिफेंस ऑफिसर्स को स्टील इंडस्ट्रीज़ में मेरे ख्याल विज़िट करना चाहिए, उनकी काबिलियत, उनकी क्षमता देखनी चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट बतानी चाहिए। ये नहीं कि वो जो स्टील बना के दे रहे हैं हम उसको यूज़ करें, नहीं, हमको किस टाइप का स्टील चाहिए, किस टाइप की उसमें स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत चाहिए, और उसमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए, वो करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है हमारे ये जो IT पास और MTech पास, वो ये स्टील इंडस्ट्रीज़ में इतने ब्रिलियंट हैं कि उनके पास तो बहुत कुछ है करने को, तो हमको अपनी कंट्री के अंदर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। हमें यह पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है और किसके पास ये काबिलियत है। बिल्कुल। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ जो आपने उठाया CDS का। CDS तो किसी को तो नियुक्त करना ही है, अभी इसमें भी काफ़ी डिस्कशन और डिबेट्स चल रही हैं। अगर तो सीनियरिटी और सब बेसिस पे चलें तो स्ट्रेट निकलता है कि जो प्रेजेंट आर्मी चीफ है, नेचुरल है, क्योंकि जो बाकी दो चीफ्स हैं, एक तो अभी बने और एक को 2 महीने हैं, तो नेचुरल है कि बिल्कुल आर्मी चीफ का नाम अपने आप आ जाता है, जो जनरल नरावने है। लेकिन अब सवाल उठता है कि बाकी सर्विसेज इस पर शायद मुद्दा उठा सकती हैं। तो एक और मैंने आज व्यू सुना था किसी चैनल में कि अभी एक ही नेवल चीफ रिटायर हुए हैं, उनका नाम एडमिरल चावला है, जो 1 दिसंबर को रिटायर हुए, तो हो सकता है क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस है, पर वो उन्होंने चीफ का पद नहीं संभाला है। तो ये जो इश्यू है काफ़ी डिबेटेबल रहेगा, पर मेरे ख्याल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सही डिसीजन लेंगे, खासकर प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर और NSA वगैरह, कि उनको अभी ये देखना पड़ेगा कि देखिए, जो एक लिगेसी जनरल बिल्कुल रावत बिल्कुल, छोड़ के गए हैं, जो उनकी एक विजन उस है, उसको तो बरकरार करना ही है, और अगर इसमें थोड़ा भी देर हो गई तो फिर ब्रेक लग जाएगा, तो उसको बरकरार रखने के लिए मेरे ख्याल इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ेगा। जी, जल्दी, और मेरे ख्याल जिसको भी वो अपॉइंट करेंगे, आर्मी में सबके पास क्षमता होती है, वो हमारे पास काबिल ऑफिसर्स की कमी नहीं, लेकिन जनरल बिपिन रावत एक इतनी बड़ी लकीर खींच गए हैं कि उसको पाटना भी आसान नहीं होगा उनके सक्सेसर के लिए, लेकिन ये चुनाव भी काफ़ी मंथन के चिंतन के बाद ही लिया जाएगा। न ज़मीन पर न आसमान में, भविष्य में जो जंग का खतरा है उस पर भी हम बात करेंगे, वो है साइबर की दुनिया का। शातिर चीन भारत में साइबर अटैक की लगातार कोशिश कर रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ CDS जनरल बिपिन रावत साइबर वॉरफेयर पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। उन्होंने कई मंचों से चेताया भी था कि भारत इस मोर्चे पर पूरी तरह सक्षम है और काम करने की भी जरूरत है। एक ऐसा खतरा जो दिखाई न दे मगर उसके हमले की गूंज दूर तक सुनाई दे, एक ऐसा खतरा जो धरती से लेकर धरती के पार तक है, वो है साइबर अटैक। आने वाले समय में जंग साइबर वायरस के खिलाफ होगी। डिजिटल क्रांति के जमाने में इस खतरे से पूरी दुनिया खौफजदा है। भारत के सामने चीन और पाकिस्तान जैसे शातिर देश हैं, लिहाजा कंप्यूटर वाले वायरस या यूं कहें हैकर्स की फौज को कुचलना जरूरी हो जाता है, और इसी चुनौतियों से निपटने के मिशन पर CDS जनरल बिपिन रावत बड़ा काम कर रहे थे। चीन के डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के जवाब में तैयारी शुरू की गई थी। चीन के डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को देखते हुए ही सेना भी अपने आप को टेक्नोलॉजी वॉरफेयर के लिए तैयार कर रही है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, साइबर वॉरफेयर और स्मॉल सैटेलाइट जैसे मिशन शामिल हैं। We know that China is capable of launching cyber attacks on us and that he can disrupt a large amount of our systems. So what we are trying to do is to create a system in which we ensure cyber defense. And we have been able to therefore create a cyber agency, which is our own agency within the armed forces. Each service also has its own cyber agencies to ensure that even if we come under a cyber attack,
the downtime and the effect of the cyber attack does not last long. We should be able to overcome that cyber attack and continue with our systems either through an alternate means or preventive means through firewalls. मौजूदा वक्त में भारत में साइबर अटैक को रोकने के लिए दो संस्थाएं काम कर रही हैं, एक है CERT यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और दूसरी संस्था नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। मगर जिस तरह खतरा बढ़ रहा है उसी तरह एंटी साइबर फोर्स को तैयार करना भी बड़ी चुनौती है। किसी भी जंग को जीतने के लिए साइबर स्पेस में दबदबा जरूरी है। के सिन्हा साहब, साइबर वॉर की बात हम कर रहे हैं सर। कुछ वक्त पहले CDS जनरल विपिन रावत ने बायोलॉजिकल वॉर की बात की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना बड़ा खतरा, कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है, इसको लेकर लगातार वो चिंता जाहिर करते रहे थे। ये नए दौर की चुनौतियां हैं, जाहिर सी बात है, जिस पर नए CDS को भी विचार करना होगा प्रायोरिटी लेवल पर। अनुराग, बहुत सही बता रहे हैं आप। देखिए, वो मल्टीफेसेट जो आज के नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का हिस्सा है, जो कि आपके 6th generation 7th generation वॉरफेयर में आता है, जिसमें 5th generation से भी आगे की बात, उसके ऊपर वो कार्रवाई कर रहे हैं। आपने साइबर का नाम लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड का बात की, रोबोटिक की बात हुई। तो देखिए, इन सब चीज़ों के ऊपर में बहुत बहुत कार्रवाइयाँ वो सोच रहे थे और कर रहे थे और सबको दिया था। वो खुद नहीं कर, उन्होंने देखिए एक एज ए CDS उन्होंने इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने जो बात की कि एक नेशनल लेवल पे सिनर्जी और एक सर्विसेज लेवल पे, और जब उन्होंने साइबर की बात की तो उन्होंने डिफेंसिव बात, उन्होंने उसकी ऑफेंसिव कंटेंट को नहीं बोला। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइबर हैकिंग जो होती है जी, बेसिकली आप टारगेट करते हैं दूसरों को। तो उन्होंने अपने को, और उन्होंने कहा बहुत जल्दी निकलना है इससे। पर जब वो स्पेस की बात करते थे, देखिए उन्होंने स्पेस कमांड की भी बात की। ऐसा ना सोचें कि केवल उन्होंने बात किया है 4 कमांड। जो आज के दिन में हमें बढ़ना है जिन डायरेक्शंस में, वो स्पेस भी है, न्यूक्लियर भी। हमारे ये थिएटर कमांड्स के बाहर के हैं जो कि वो बात करेंगे। इमीडिएटली वो थिएटराइजेशन की कर रहे थे, क्योंकि आप एक समय में सारी चीजें एब्सोल्युटली नहीं पकड़ सकते, मगर उसके ऊपर कार्रवाइयां जरूरी हैं। तो सबसे बड़ी जो उनकी विरासत है, जो उनकी लेगेसी वो छोड़ गए, वो काबिलियत थी कि CDS बनाने के बाद एक लिंक जो होता है हायर डायरेक्टर ऑफ वॉर का, जो हमारे जिसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेसी और सारे आते हैं, इतना अच्छा उन्होंने पाटा है जी, पूरे के पूरे हमारे सैन्य बल को उनके साथ। और देखिए सारे आज क्या उनकी बड़ी, सबसे बड़ी लीगेसी यही है। और चैलेंज होगा, चैलेंज ये नहीं होगा कि थिएटर कमांड, वो तो सब हो जाएगा। जो नेक्स्ट CDS आता है उसको सबसे बड़ा जो लकीर खींची है, जो लीगेसी है, वो है कि किस तरह आप अपने हायर डायरेक्शंस ऑफ वॉर के ऊपर में उनको आप एक्टिवली, और देखिए इसमें दाद देने की बात है कि हमारे पास आज इतने सशक्त लोग हैं। जिस तरह से आप प्रधानमंत्री को देखते हैं, उन्होंने कोई स्ट्रेटजिक कमांड नहीं किया है, कोई ट्रेनिंग, मगर जिस तरह से वो पूरे विश्व के अंदर में बात होती है, जो मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड दूसरा डिप्लोमेसी को छोड़ा, ये जो चीजें हमें दिखती नहीं है, बात नहीं करते ना, तो उन्होंने बिपिन रावत साहब ने बात की, वो बात दूसरी चीजों का करते थे। ये जो स्पिन ऑफ है, जो लिगेसी है, इस लिगेसी के लिए वो चैलेंज होगा नेक्स्ट CDS का। तो इसलिए बिल्कुल आने वाले CDS के लिए कई चुनौतियां हैं सर, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। और किस तरह से खुद CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि अब दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है, और चीन जिस तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जिस तरह से लगातार इंट्रूजन कर रहा है, उस पहलू पर भी बात करेंगे कि आने वाले CDS के लिए उस दिशा में किस तरह से डील किया जाए, क्या कुछ वहां कदम उठाने की जरूरत है चीन के वेपन मॉडर्नाइजेशन को देखते हुए, उसकी हरकतों को देखते हुए, उस पर करेंगे चर्चा। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।